दोस्तों एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स भी करीब हैं, तो आपको लगता होगा, यकीनन लगता होगा कि ये टाइम बहुत कम है। एक हफ्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि इस वीक में आपको कुछ असाइनमेंट्स बनानी होगी, कुछ टेस्ट की तैयारी करनी होगी, और यकीनी तौर पर पढ़ाई के अलावा भी आपकी कुछ एक्टिविटीज होंगी, क्योंकि हर इंसान की एक सोशल लाइफ होती है, फैमिली को फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है, खेलकूद भी करना होता है। तो दोस्तों कितना ही अच्छा हो कि हम स्टडी करके अच्छे ग्रेड्स भी ले सकें और एक बैलेंस्ड लाइफ भी गुजार सकें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टली स्टडी करने के 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पर अमल करके आप आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत करके आप जितने मार्क्स ले रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। दोस्तों स्टडी सेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने 4 घंटे के लिए पढ़ना है या 6 घंटे के लिए पढ़ना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप अपने स्टडी टाइम पर अपने रूम में जाएं और स्टडी करना शुरू कर दें, और जितनी देर आपने पढ़ना है 4 घंटे या 6 घंटे उतने घंटे पढ़ने के बाद ही कमरे से बाहर निकलें। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं, अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और घंटों पढ़ते रहते हैं, और वो समझते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ब्रेन पर होने वाली रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि स्टडी के दौरान ब्रेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सीखते हैं उसको रिटेन करने के लिए हमारे ब्रेन को ब्रेक चाहिए होती है। जैसे एक पौधे की ग्रोथ के लिए उसे हफ्ता में 1 दिन लगातार पानी देने से अच्छा है कि हर रोज उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी दिया जाए, ऐसे ही लगातार 4 घंटे पढ़ाई करने से अच्छा है कि हम उस टाइम को 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ें। तो दोस्तों बेस्ट वे ये है कि आप 1 घंटा के लिए पढ़ें अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ, और फिर 10 से 15 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ी ताज़ा हवा खाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें और दोबारा पढ़ाई शुरू कर दें। आप इस काम के लिए टाइमर यूज़ कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। आपके ब्रेन का फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगा और उसकी चीज़ों को याद रखने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों स्टडीज ये बताती हैं कि इस तरीके से हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस 46% तक बढ़ जाएगी। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको जल्दी याद हो जाएगा और देर तक याद रहेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, खसूसी ख्याल रखना है कि ब्रेक्स के दौरान आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, टीवी नहीं देखना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होने की बजाय बिजी रहे। रिव्यू योर लेसन्स पीरियडिकली। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन याद करते हैं और उसे अच्छे तरीके से याद करके लिख कर भी देख लेते हैं या किसी को सुना लेते हैं, और फिर हम समझते हैं कि यार ये सवाल तो अब पक्का है, अच्छी तरह याद हो गया है। लेकिन जब अगले दिन या कुछ दिनों के बाद एग्जाम्स में या टेस्ट में वो क्वेश्चन आ जाता है तो बाज़ औक़ात हम उसे सही तरह रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, हालांकि वो सवाल हमने अच्छी तरह याद किया था। तो दोस्तों मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो कुछ भी हम याद करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, हमारी मेमोरी में। बेसिकली हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी हम कोई सवाल पहली दफ़ा याद करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव की हुई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक सेव नहीं रहती, डिलीट होना शुरू हो जाती है। उस सवाल को हम उन बातों को हम भूलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उस सवाल को उस चैप्टर को ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करे, और उसका बेस्ट वे ये है कि हम अपने लेसन्स को रिवाइज करते रहा करें। जब हम चीज़ों को रिव्यू करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, उसे वहाँ स्टोर कर देता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए आप अपनी स्टडी हैबिट बनाएं, अपना टाइम टेबल इस तरह बनाएं कि जो कुछ भी आपने याद किया है वो चाहे कितना भी अच्छा याद क्यों नहीं किया, उसको एक मखसूस टाइम के बाद रिवाइज ज़रूर किया करें।
आप ये देखेंगे कि आपकी ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी याद रखने की सलाहियत को बहुत हद तक बढ़ा देगी। तो दोस्तों अगली टिप है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई में बहुत संजीदा होते हैं, अच्छे मार्क्स और अच्छे करियर की फिक्र में रहते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स ले नहीं पाते। उनके दिमाग में दिन भर यही चलता रहता है कि यार बहुत टाइम ज़ाया कर लिया, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया, अब और नहीं, अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, खूब मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं तो दिमाग में यही चल रहा है, फैमिली के साथ गपशप करने का टाइम है तो फिर भी दिमाग में वही चल रहा है कि अच्छे मार्क्स, अच्छे मार्क्स, लेकिन अच्छे मार्क्स फिर भी नहीं आते। वो हमेशा एवरेज मार्क्स ही स्कोर कर पाते हैं और उनको समझ भी नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि उनको फिक्र बड़ी होती है। तो दोस्तों मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। हमारा जो दिमाग है ना, इसको हम जिस तरह चलाएंगे उसी तरह चलना शुरू हो जाएगा। जब हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे सोचते रहेंगे तो हमारा माइंड इसी तरह ट्रेन हो जाएगा। क्रिकेट खेलते हुए अगर हम केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि यार अभी उसकी भी तैयारी करनी है, फिफ्थ चैप्टर है यार, वो तो है ही बड़ा मुश्किल, तो पढ़ाई करते वक्त हम ये जरूर सोचेंगे कि अमजद ने जो रन आउट मिस किया था ना, मैच हम उसी वजह से हारे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए भी पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की फिक्र लगी हुई है और इस तरह ये पढ़ते कम और सोचते ज्यादा है, फिक्र ज्यादा करते हैं और मार्क्स कम लेते हैं। तो दोस्तों जो टाइम सोचने पर लगाते हो ना, वो पढ़ने पर लगाओ। खाली सोचने से कुछ नहीं होता, सोचो कम और इस दुनिया को कुछ करके दिखाओ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ये अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।